अब ना बात सियासत की होगी ना किसी रियासत से जुड़ी होगी, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी, आपके मुद्दों और आपकी समस्याओं की। हम समस्याओं को उठाएंगे, सिस्टम को जगाएंगे, क्योंकि ये है आपका अपना चैनल। सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिसका बड़ा असर हुआ है। विस्तार न्यूज़ ने खंडवा के खस्ताहाल स्कूल में दहशत के शाये में पढ़ रहे बच्चों की खबर दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के कुछ ही घंटों बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्कूल की मरम्मत का काम शुरू हो गया। देखिए बच्चों को खतरे के साय से दूर करने वाली हमारी एक खबर। हम दिखाते हैं खबर तो होता है असर। 3 जुलाई रात 9:30 बजे खंडवा के पुनासा में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ बच्चों के पास टूटी फूटी छत है जो कभी भी गिर जाए भरोसा नहीं। 4 जुलाई सुबह 10 बजे 24 घंटे भी नहीं हुए, महज 12 घंटों में छात्रों की जिंदगी को महफूज करने का काम शुरू हो गया। 3 जुलाई को विस्तार विशेष में हमने बताया कि कैसे हरसूद ब्लॉक की देवला माफी प्राथमिक शाला में बच्चे दहशत के साय में पढ़ने को मजबूर हैं। क्लास पानी पानी हो रही है और शिक्षक स्कूल को पॉलिथिन से कवर करके काम चला रहे हैं। रात में विस्तार न्यूज ने बच्चों का दर्द दिखाया। पानी निकलता है, बिजली करती है तो मैं पापा स्कूल नहीं भेजते, ये ना जाए स्कूल। पानी आता है तो ये भर जाती है, बिजली करते थे, हमको डर लगता है कि स्कूल गिर ना जाए। इधर खबर दिखाई उधर असर हो गया। शिक्षा विभाग के बीआरसी और इंजीनियर मौके पर पहुंचे, हकीकत को देखा और तत्काल पॉलिथीन हटाकर छत की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। वो काम शुरू हुआ जो बीते 5 साल से करने के लिए किसी ने जहमत तक नहीं उठाई थी और बच्चे मुश्किल हालातों में पढ़ने को मजबूर थे। विस्तार न्यूज पर जैसे कल न्यूज लगी थी उसी के संदर्भ में आज हम शासकीय प्राथमिक शाला देवला का निरीक्षण करने आए। पिछले वर्ष भी हम आए थे और प्रधान पाठक को बोला था कि जो ये छत है उसकी मरम्मत का कार्य आपको करवाना है जी, लेकिन 31 मार्च की स्थिति में इन्होंने फंड जो है वो खर्च कर दिया है जी। तो हम इन्हें निर्देशित कर रहे हैं कि आप मरम्मत की राशि से इसके ऊपर डैम प्रूफ करवाएं और ये छत की मरम्मत करवाएं, क्योंकि शासन को हमने इसका प्रस्ताव पिछले वर्ष ही भेज दिया था छत मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत का, लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र से अभी तक वहाँ से कोई फंड नहीं आया है। इस पर कोई क्या है कि जिले लेवल पर हमारे पास कोई ऐसा फंड अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में कंपोजिट ग्रांट जो शाला कंटिजेंसी मिलती है उसके माध्यम से टीचर के द्वारा इसका मेंटेनेंस कार्य कराया जा रहा है। भविष्य में बड़ी राशि अगर स्वीकृत होगी जो हमारा जो हमने प्राकलन बना करके भेजा है उसके अकॉर्डिंग जो भी राशि स्वीकृत होती है तो प्रॉपर रूप से और बेहतर काम करवा दे। कहने को ये छोटा सा काम है लेकिन ये कई बच्चों की जिंदगी और उनके भविष्य से जुड़ा काम है, क्योंकि एक तरफ जहां बच्चे अब सुकून के साथ पढ़ाई कर सकेंगे तो उनके सिर पर मंडराता हादसे का खतरा भी दूर हो जाएगा। और इसके लिए बच्चों के माता पिता विस्तार न्यूज का आभार जता रहे हैं और हम भी वादा करते हैं विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल होने का वादा यूं ही हमेशा निभाता रहेगा और सिस्टम को जगाता रहेगा। पुनासा से विस्तार न्यूज के लिए संदीप सोनी की रिपोर्ट। विस्तार न्यूज की मुहिम रंग ला रही है, हमारी कोशिश भी यही है कि आपके मुद्दों और आपकी समस्याओं को इसी तरह उठाते रहें ताकि उनका समाधान हो सके, क्योंकि हमारा मकसद आपकी समस्याओं को जिम्मेदारों तक पहुंचाना और उनको हल कराना है। ग्वालियर में कई परिवारों के सिर पर हादसों का खतरा मंडरा रहा है। सरकारी पुराने मकान जर्जर होते जा रहे हैं, तेज बारिश में कुछ भी हो सकता है। ना तो यहाँ रहने वाले इन मकानों को खाली कर रहे हैं और ना ही प्रशासन इन्हें खाली करा पा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में बनी लोक निर्माण विभाग की दर्पण कॉलोनी के इन आवासों में 200 परिवार अपनी जिंदगी का
ताना बाना बुन रहे हैं, लेकिन मकानों की हालत बताती है कि इन परिवारों के सिर पर हमेशा खतरा मंडरा रहा है। ये आशियाने कभी भी जमींदोज हो सकते हैं, तेज बारिश में ढह सकते हैं और कभी भी यहाँ मौत तांडव कर सकती है। परिवार उजड़ सकते हैं, खुशियां मातम में बदल सकती हैं, बच्चों की किलकारियां चीखों में तब्दील हो सकती हैं। खबर दिखाने का मकसद आपको डराना नहीं है, मकसद सिर्फ यही है कि जो बीते दिनों यहां रहने वाले एक परिवार के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। संडे का दिन था, सुबह मॉर्निंग के टाइम 9 बजे के आसपास वो मेरा भांजा है साहिल करके, तो वो यहाँ पर मतलब पहले वहाँ पर खड़ा हुआ था, फिर अचानक से वो इधर आ गया भाग के, नहीं और दीवार गिर गई। ना बारिश हुई, ना आंधी आई, ना मतलब ना कोई हवा चल रही थी, ऐसा कुछ भी, अचानक से दीवार गिर पड़ी तो वो इस दीवार में दब गया। ये उस मासूम के परिजन हैं जो बीते दिनों यहाँ के एक जर्जर मकान की दीवार ढहने से काल के गाल में समा गया। 1.5 साल का मासूम इन जर्जर मकानों की बलि चढ़ गया और पीछे छोड़ गया कभी न खत्म होने वाला दर्द, और सामने खड़े भयंकर खतरे को लेकर भी चेता गया। ग्वालियर में मानसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में 100 से अधिक ऐसे परिवार हैं जो सरकारी जर्जर भवनों में रह रहे हैं और कभी भी इनके साथ हादसा हो सकता है। अभी हाल में ही सरकारी जर्जर भवन की दीवार गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देखिए, ये PWD के जर्जर भवन हैं और इन्हीं जर्जर भवनों में लोग रह रहे हैं और इन जर्जर भवनों की हालात ऐसी है कि अगर बारिश हुई तो यह कभी भी गिर सकते हैं। यही वजह है कि PWD ने इन्हें खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन प्रशासन इनको खाली नहीं करा पा रहा है। विस्तार न्यूज की टीम ने जब इन जर्जर भवनों की पड़ताल की तो एक नहीं ऐसे कई सैकड़ों आवास हैं जो बारिश में कभी भी धराशायी हो सकते हैं। शासन की ओर से इन्हें जर्जर भवन घोषित कर दिया गया है, फिर भी विभाग ऐसे आवासों को खाली नहीं करा पा रहा जहां सैकड़ों परिवार रह रहे हैं। हम तो कम से कम 15-20 साल हो चुके हैं। किराए से रहते हैं आप? नहीं, दीघा वाली रहती है, किराए से। हाँ, जो तो पहले एक दो बार नोटिस आए थे टूटने के लिए, तो वो चक्कर में PWD ने काम नहीं करा होगा, टूट रहे हैं तो वो चक्कर में काम नहीं करा था। नोटिस आए थे फिर टूटे नहीं थे, नोटिस एक दो बार सब बगलन के ही आए थे। वैसे तो शहर में पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत हाउसिंग बोर्ड पुराने मकानों को तोड़कर नए आवास बना रहा है। अभी 336 मकानों को PWD से अधिग्रहित कर काम भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी सैकड़ों मकान हैं जो अधिग्रहित नहीं किए गए हैं और हादसों को न्योता दे रहे हैं। वहीं अधिकारी एक दूसरे विभागों को जिम्मेदार बता रहे हैं। नहीं, अधिकृत तो अलॉटमेंट के बाद ही रह रहे हैं। हाँ, कुछ शिकायतें ऐसी प्राप्त हुई हैं कि उन्होंने अपने किसी निकट को या किराएदार को रखा हुआ है उसमें, उसके लिए हमने 8 लोगों को बेदखली के नोटिस दिए हुए हैं, वो कार्रवाई चल रही है बेदखली परिषद नियम में। तो जिन मकानों की हालत ठीक नहीं है उसके लिए सतत हम लोग रिपेयर कर रहे हैं उसको। संधारण हमारा जैसे भी हमारे सीनियर को लिखित में रिपोर्ट आती है, हम तत्काल उसको अटेंड करते हैं। मकान जर्जर हैं, खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं, लेकिन PWD विभाग सिर्फ मकान खाली करने के लिए नोटिस जारी कर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मकानों को अभी तक खाली नहीं करवाया गया। अब सवाल उठता है कि प्रशासन लोगों की जिंदगी को लेकर कितनी लापरवाही बरत रहा है, जबकि बारिश के पहले ही हादसों ने दस्तक दे दी है। बेशक लोग भी इतने ही लापरवाह हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर मकानों को कब खाली करवाया जाएगा, क्योंकि सवाल मकानों को खाली कराने से ज्यादा लोगों की जिंदगी का है। आखिर क्यों दूसरे हादसे का इंतजार किया जा रहा है? सवाल इस बात का है कि ये जर्जर भवन कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, बिस्ता न्यूज। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की। यहां RTO दफ्तर के बाहर दलालों ने ऐसा जाल बिछाया है जिसमें फंसकर लोग अपनी गाढ़ी कमाई लुटा रहे हैं। RTO के नाम पर दिन दहाड़े दलाल लोगों को लूट रहे हैं और ये सब हो रहा है अधिकारियों की नाक के नीचे। अब सवाल उठता है कि क्या दलालों की दुकानें RTO के अधिकारी और कर्मचारियों की मिली भगत से ही चल रही हैं? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। RTO के बाहर दलालों का अड्डा, एजेंटों ने खोली भ्रष्टाचार की दुकान, बिना रुपये दिए नहीं होते काम।
आरटीओ के बाहर एजेंट की दुकान, लाइसेंस के नाम पर गाड़ी ट्रांसफर कराने के नाम पर और वाहनों से संबंधित तमाम कामों के नाम पर पैसों की उगाही, यह खेल जो है बिलासपुर आरटीओ में सालों से चल रहा है। लेकिन नए आरटीओ आनंद स्वरूप तिवारी ने इस व्यवस्था को बदलने का दावा किया है। सबसे पहले आप मेरे पीछे ये दुकान देख सकते हैं, इन दुकानों का नाम ही देखने पर आपको ये समझ में आएगा कि परमानेंट लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन, जयसवाल ऑनलाइन आवेदन, हरीश ऑनलाइन आवेदन, जय मां संतोषी ऑनलाइन आवेदन और एक नाम खुद जो है ऑनलाइन आवेदन। तो कुल मिलाकर ऑनलाइन आवेदनों के नाम पर यहां एजेंटों की इतनी दुकान खुली हुई है कि वे लोगों से जो है प्रति लाइसेंस जो है 3 से 4 हज़ार रुपये वसूलते हैं और किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है भीतर औपचारिकताओं की, ऐसा उनका दावा होता है। जी हाँ, बिलासपुर में आरटीओ के बाहर दलालों की सल्तनत चलती है, खुलेआम दुकानें खोलकर लोगों को लूटा जा रहा है, बड़े बड़े बोर्ड लगाकर खुद का प्रचार किया जा रहा है और काम के लिए आने वाले लोगों को अपने जाल में फंसाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इनकी बैठ इतनी गहरी है कि कोई अगर सीधे पहुंच जाए तो दफ्तर में भटकता रहता है लेकिन काम नहीं होता और फिर लोगों को थक हार कर इनके पास आना ही पड़ता है। कि आरटीओ ऑफिस में एक साधारण आदमी अगर कोई भी आएगा आवेदन लेकर तो उनको घुमाया जाता है और यदि मैं किसी भी एजेंट को यदि दूंगा फॉर्म और पैसा दूंगा उनको 4 से 5 हज़ार मन मुताबिक उनके इच्छा अनुसार मांग पर पैसा, तो तुरंत फिर लाइसेंस बन जा रहा है। लाइसेंस बनवाने के लिए आया था भैया, 2 दिन हो गया, बन ही नहीं रहा है। क्या पैसा तो दिया हूँ एक जने को देने के लिए, बन ही नहीं रहा है, 2 दिन फोन लगा रहा हूँ अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। 2 हज़ार दिया हूँ भैया। ये एजेंट पूरी दादागिरी से अपना काम करते हैं, अनाप शनाप रुपयों की डिमांड करते हैं। इन्होंने हर काम के लिए रेट तय कर रखे हैं, एक नज़र इनकी रेट लिस्ट पर डालेंगे तो पता चलेगा कि किस कदर आम लोगों को लूटा जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 1350 रुपये लगते हैं, दलाल लेते हैं 5000। फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 900 रुपये लगते हैं, दलाल लेते हैं 7000। व्हीकल ट्रांसफर के लिए 1100 रुपये लगते हैं, दलाल लेते हैं 10000। आरसी बुक के लिए 450 रुपये लगते हैं, दलाल लेते हैं 5000। इसके अलावा बाकी कई कामों के रेट भी दलालों ने तय कर रखे हैं, यानी सरकारी रेट से 10 गुना से ज्यादा तक ये दलाल वसूल रहे हैं। आज मैं खुद अपना लाइसेंस बनवाने आया था, आज मेरा कंप्लीट हुआ प्रोसेस। मैं यहाँ पे पहले घुमा, अंदर में जानकारी दिए नहीं थी मुझे किसी ने, फिर बोले कि वो बाहर में बन जाएगा। तो यहाँ बाहर में आता था तो लाइसेंस सुधरवाने और डेट ऑफ बर्थ सुधरवाने के लिए मुझे 4000-4500 का लगेगा बोलते थे, आपको नहीं आने की ज़रूरत है, सिर्फ टेस्टिंग के दिन साइन करने आना है। मतलब आज जब मैं आया तो मैं लीगल वे में अपना गया तो पहले 350 का चलान, फिर 1050 रुपये का चलान कटा। जब मैं अप्रोच से आके अपने ताकत के साथ यहाँ काम करवाए, मतलब मैं ताकतवर आदमी हूँ तो मेरा काम सरलता से हो गया। और कई लोग आते हैं, आप ये दलालों के माध्यम देख सकते हो, लोग अपना 3000 बेमतलब का यहाँ देते हैं। आरटीओ एक हिसाब से फुरूफ है, दलालों के चरण में फंसा हुआ चीज है और उसकी मुक्ति बहुत जरूरी है। जब हमने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने आरटीओ दफ्तर के बाहर फैले दलालों के जाल से मतलब ना होने की बात कही। आरटीओ दफ्तर के बाहर खुली दुकानों से मतलब ना होने की बात कह दी, यानी इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए उनके पास कोई माकूल इंतजाम नजर नहीं आया। देखिए, एजेंटों का तो अभी तक तो मुझसे कोई मिला नहीं है, 10-15 दिन हो गए मुझसे कोई मिला नहीं है। तो मैं तो यही जानता हूँ कि क्रेता विक्रेता उपस्थित होंगे तभी नाम ट्रांसफर वगैरह भी होगा, लाइसेंस के लिए भी क्रेता की उपस्थिति अनिवार्य है, उनका फोटो लेना पड़ता है। तो वो तो आते ही हैं, क्रेता विक्रेता आते हैं, मुझे क्रेता विक्रेता उपस्थित होना अनिवार्य है, बाकी और कौन आता है क्या आता है उससे अपन को ज़्यादा लेना देना नहीं है। नहीं, देखिए, अपनी स्वेच्छा से जो कोई करवाना चाहेगा तो करवा सकता है और बाकी ऐसी मेरे पास शिकायतें भी आएगी तो मैं कार्रवाई करूँगा। साफ तौर पर आरटीओ दफ्तर एजेंडों के चंगुल में है, जहां फंसाए जाते हैं काम कराने के लिए आने वाले लोग। ये हालात आज के नहीं हैं, बल्कि बरसों से यही परंपरा है कि एजेंट के जरिए काम आसानी से हो जाते हैं। इसके लिए सरकारी प्रक्रिया का गठन होना है, तो आरटीओ में बैठे कर्मचारियों की साठगांठ भी एजेंटों के नेटवर्क को मजबूत कर रही है। यही वजह है कि दलालों ने ऐसा जाल बिछाया है कि ना तो इसे आम लोग तोड़ पा रहे हैं और ना ही अधिकारी, क्योंकि इसमें फायदा दलालों के साथ साथ अधिकारी कर्मचारियों का भी तो है। विस्तार न्यूज जो है आरटीओ ऑफिस के बाहर से
आपसे जुड़ी वो खबर दिखा रहा है कि जिसमें जो है दलाल किस तरह यहाँ सक्रिय हैं और किस तरह लोगों को लूट रहे हैं, ये कहानी उजागर हो रही है। आने वाले समय में नए आरटीओ आनंद स्वरूप तिवारी ने ये दावा किया है कि वे दलालों को रोकेंगे, और आज उन्होंने एक लेटर जारी भी किया है कि क्रेता और विक्रेता जो गाड़ियों के हैं वो सीधे आएँ और सीधे मुलाकात करें मुझसे, बाहर किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में देखना होगा कि आरटीओ के बाहर ये जो दुकानें खड़ी हुई है, मकानें खड़ी हुई है, लोगों का हुजूम है जो लोगों को लूटने वाला, वो रुकता है या अनवरत इसी तरह चलता रहता है। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़। तो देखा आपने कैसे दलाल फल फूल रहे हैं और अधिकारी हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हजारों किसान अपनी मेहनत की कमाई पाने के लिए भटक रहे हैं। गन्ना बेचने के 6 महीने बाद भी किसानों को करोड़ों रुपए का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। क्या है इसकी वजह और कारखाना प्रबंधन क्यों नहीं कर पा रहा है भुगतान, विस्तार से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कर्ज में डूबा शक्कर कारखाना, किसानों को भी बना दिया कर्जदार। सरगुजा संभाग के इकलौते शक्कर कारखाना के किसानों को अब तक गन्ना बेचने के बाद भी 6 महीना बीत गया है, लेकिन उनको पैसा नहीं मिल पाया है। किसान गन्ना का पैसा पाने के लिए परेशान है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि शक्कर नहीं बिक पाया है, इसके वजह से वे किसानों को भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। ये वो किसान है जो अपने खून पसीने की मेहनत को लेकर सरगुजा संभाग के इकलौते माँ महामाया शक्कर कारखाना में आए थे। सोचा था गन्ना बेचकर आगे की खेती करेंगे, बच्चों के सपनों को पूरा करेंगे, लेकिन 6 महीने बाद भी ये किसान अपनी मेहनत की कमाई के लिए भटक रहे हैं। किसान, कारखाना और कर्ज, 15,000 से ज्यादा किसानों ने बेचा गन्ना, 80 करोड़ का गन्ना किसानों ने बेचा। किसानों को सिर्फ 52 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, अभी 28 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है। किसानों के माथे पर चिंता है, क्योंकि किसी को खेती की चिंता सता रही है तो किसी को अपना कर्ज चुकाना है, और कई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए फिक्रमंद हैं। गन्ना बेचे हूँ 3 ट्रैक्टर, तो? पैसा आज तक नहीं मिली से है, ओकरे बरा आवेदन डाले। अच्छा, तो अभी तक पैसा नहीं मिली से तो परेशानी तो होती है? परेशानी बहुत, परेशानी होती है। तो अभी खाद बीज बिहान सब और गाड़ी की किस्त है, तो अभी 10 तारीख है। गन्ना का तो अभी बची से बोले थे कि चढ़ाव, तो अभी चढ़ा लेनी है, और बरसात भी गिर गई तो थोड़ा खेत में धान बिहन वहन लेहे पर दिखते हुए थे थोड़ा सा। खेती बाड़ी दिन है तब पैसा नहीं मिला तो काम में कमाई नहीं, अब पैसा मिली तब तो हमारे भाई बिहन गो तब ले, अब काम में लेबो गरीब आदमी। दरअसल ये स्थिति क्यों बनी है, इसकी वजह यह है कि खुद शक्कर कारखाना ही कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज में डूबा कारखाना, सरकार का 100 करोड़ रुपए का कर्ज, सिर्फ ब्याज ही 35 करोड़ रुपए का हुआ। शक्कर कारखाना किसानों को गन्ना पैसे देने के लिए फिर से कर्ज लेने की तैयारी में है। अफसर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रबंधन का कहना है कि केंद्र सरकार के कोटा सिस्टम की वजह से परेशानी हो रही है, हर महीने सीमित मात्रा में ही शक्कर बेच सकते हैं, जिसके चलते भुगतान में परेशानी आ रही है। हम कोशिश करते जा रहे हैं कि आगे में जब बजट हमारे पास उपलब्ध होगा तो हम उसे भुगतान करेंगे। मुख्य वजह यह है कि हमारे पास अभी जैसे कि भारत सरकार हमें देता है और शक्कर बिक्री का कोटा एक देता है, तो इस महीने में तो हमारे पास शक्कर बिक्री का कोटा भी प्राप्त हुआ है, तो थोड़ा सा राशि की हमारे पास जरूरत तो है, ऐसी क्राइसिस है। अधिकारी जिस कोटा सिस्टम का हवाला दे रहे हैं उसे भी समझ लेते हैं। क्या है कोटा सिस्टम? केंद्र सरकार ने शक्कर कारखानों के लिए एक नियम बनाया, शक्कर कारखानों के लिए शक्कर बेचने का कोटा तय किया गया। सरकार से हर महीने मिलती है शक्कर बेचने की अनुमति। कोटा सिस्टम के बाद शक्कर के रेट नियंत्रित हुए, और इसी सिस्टम का हवाला देकर कारखाना अपनी कमियों को छिपाने का काम कर रहा है। हालांकि फिर से कर्ज लेकर लोगों का कर्जा चुकाने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या कर्ज में डूबे कारखाने को सरकार
फिर से कर्ज देगी या फिर कारखाना कोटा सिस्टम का हवाला देकर किसानों को भटकाता रहेगा। अगर समय पर किसानों को भुगतान नहीं हुआ तो यकीन मानिए कि ये खेती के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे किसान गन्ने की खेती से तौबा करने लगेंगे। अंबिकापुर से दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इधर मध्य प्रदेश के रीवा में भी किसान अपनी जमा पूंजी के लिए लगातार भटक रहे हैं। मऊगंज की सहकारी समितियों के बचत खातों में अमानत में खयानत का एक बड़ा मामला सामने आया है। बैंकों ने किसानों का 9 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपया गायब कर दिया और किसान अब आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। देखिए क्या है पूरा मामला। अन्नदाता की कमाई पर डाका, सहकारिता विभाग करोड़ों लेकर भागा। अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है, वहाँ खुलता ही नहीं बैंक। 3 साल से भटक रहे हैं, पैसा पैसा पैसा। वो आलू टमाटर है वो सड़ गया है तो फेंक देते हो उसको। जी हाँ, रीवा और मऊगंज के हजारों किसान अपनी गाड़ी कमाई को लेने के लिए भटक रहे हैं। किसी का 5 लाख रुपए फंसा है तो किसी के 8 से 10 लाख रुपयों पर सहकारिता विभाग ने डाका डाल दिया है। मऊगंज की 6 सेवा सहकारी समितियों के बचत बैंक में अमानत में खयानत का मामला सामने आया है। किसानों ने सालों तक अपनी बचत की कमाई इन बैंकों में जमा की, लेकिन जब लेने का वक्त आया तो किसानों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि कई बैंक बंद हो गए तो जिम्मेदार उन्हें मुंह पर ही पैसों को भूल जाने की नसीहत देकर भगा रहे हैं। FD 2016 में किए थे, उसका हो गया डबल, 5 लाख जमा किए थे, अब 10,39,000 करीब हो गया और 1.5-2 लाख चालू खत्म पड़ा है। अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है, बच्ची की शादी करना है, 11 जुलाई के काम है हमारे यहाँ। ब्याज सहित 7 लाख 8 लाख के करीब है, हाँ, एक खाते में एक। और ऐसे ऐसे खाते मतलब 5 खाते हैं। साहब मिलते हैं, महेश्वरी मैनेजर हैं वहाँ के पहाड़ी के, तो वो बोलते हैं जहाँ दी हो तहाँ ले लो, ऐसे बोलते हैं। और वहाँ तो कोई मतलब अपने गांव की जो समिति है वहाँ खुलता ही नहीं बैंक। इतनी परेशानी में आज 3 साल से भटक रहे हैं, पैसा पैसा पैसा। जब कहीं आते हैं तो पहाड़ी महेश्वरी महाराज इधर उधर पढ़ाते हैं कि अब काम होगा अब काम होगा। ये ज्ञानंद पांडे यहाँ के महाप्रबंधक है रीवा के, ये कहते हैं कि उस पैसे के लिए राम राम करो, पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा। फिर हमारे एक दूसरे भाई के बोले कि हमारे भाई का पैसा जमा हो दे दो, बोलते हैं वो आलू टमाटर है वो सड़ गया है तो फेंक देते हो उसको, वो पैसा भी तुम्हारा सड़ गया है उसको फेंक दो, उसको भूल जाओ, नहीं मिलेगा। कहां गया 10 करोड़ रुपया? किसानों के रुपए लेकर भूल गया सहकारिता विभाग। 20 साल पुरानी तक की FD लेकर भटक रहे किसान। 6 सेवा सहकारी समितियों के बचत बैंक में जमा थे रुपए, 5,000 से ज्यादा किसानों के रुपए गायब हुए। किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, किसी को बेटी की शादी की चिंता सता रही है तो किसी को पढ़ाई की। ऐसे ही एक किसान ने जब आत्महत्या की बात कही तो स्थानीय विधायक अधिकारियों से बात करने पहुंच गए और जल्द राशि दिलवाने की बात कही। 10 करोड़ 61 लाख का एक अमाउंट है और लगभग इसमें 3,500 लोग हैं, तो सब लोग प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनके पैसे भुगतान होंगे। खासतौर से जिनको अभी ज़रूरत है तत्काल, तो उनको तो मिल जाए, फिर बाकी मैं ये स्वाभाविक बात कि 3,000 लोग एक साथ पैसे नहीं लेंगे, ज़रूरत मारों को मिल जाएगा, ऐसी व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसानों के रुपयों को घाटे में चल रही समितियों के प्रभारियों ने लोन चुकाने में इस्तेमाल कर लिया और अब किसानों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मामला CM तक भी पहुंच गया है और अब अधिकारी जल्द ही किसानों को रुपए वापस दिलाने का भरोसा दिला रहे हैं। कार्यवाही इसके संबंध में विस्तृत समग्र स्थितियां कलेक्टर रीवा, कलेक्टर मऊगंज द्वारा आयुक्त एवं पंजीयक भोपाल को भेजी गई है और निराकरण की पहल हो रही है। जो राशि इनको मिलना है उसके लिए भी वहाँ पत्राचार हो रहा है, ट्रायल चल रही है, बहुत जल्दी राशि मिलने की उम्मीद है। जैसे राशि मिलेगी तो हम जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी राशि वापस करेंगे। अब सवाल ये है कि कब तक किसानों को उनका रुपया वापस मिलेगा? क्या इस फर्जीवाड़े में शामिल उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने किसानों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया है? क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है बल्कि हजारों किसानों की जिंदगी भर की कमाई से जुड़ा हुआ है जो उन्होंने खून पसीने की मेहनत से कमाई थी। लेकिन सवाल यही है कि क्या किसानों की गाढ़ी कमाई उनको वापस मिल जाएगी?
आश्वासन तो यही मिला है कि मिल जाएगी, अब देखना होगा कि कितना पैसा किसानों को वापस मिल पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दों को सिस्टम के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की। हमारी न केवल कोशिश है बल्कि मकसद भी आपकी बातों को जिम्मेदारों तक पहुंचाना है। आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।